नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज का हमारा विषय है, आप कोई गाड़ी, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो या कोई बड़ा ट्रक हो, ट्रेलर हो, उसको आप किसी स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके बेचते हैं, तो उस संबंध में आपको क्या विशेष जानकारी रखनी चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि कई बार व्यक्ति परेशान होकर जल्दबाजी में स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके, इस प्रकार की लिखा पढ़ी करके गाड़ी को बेच देता है कि बाद में उसे बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसको हम समझेंगे, इसको अलग अलग भागों में समझेंगे। सबसे पहले तो अपन समझेंगे कि स्टाम्प पर विक्रय करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, तो नुकसान की संभावना है। फिर अपन समझेंगे कि लोग स्टाम्प पर विक्रय करने का पीछे क्या कारण है। फिर हम समझेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो नुकसान वाले कारण में अपन बात करें, जैसे कि आपने कोई मोटरसाइकिल है, स्कूटी है या आपकी कार है, ट्रक है, ट्रेलर है, इसको आपने स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया और उस व्यक्ति के से उस गाड़ी से किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया और किसी व्यक्ति के लग गई या किसी व्यक्ति के मृत्यु हो गई, तो उस संबंध में आप ये बोलेंगे कि साहब मैंने तो ये गाड़ी बेच दी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो कोर्ट इस बात को नहीं मानेगी। आप भले वो स्टाम्प पेश करोगे जिस पर आपने बेच रखी है, उसमें लिखा पढ़ी कर रखी है कि आज के बाद सारी जिम्मेदारी खरीदने वाले की, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आज से पहले की जिम्मेदारी मेरी है, जो सारी आपने शर्तें लिख रखी है, वो शर्तें कोर्ट नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि आपने जो लिखा पढ़ी की है कानून अनुसार नहीं है। कानून अनुसार क्यों नहीं है? कानून तो ये कहता है कि आप उसका विक्रय का पंजीयन कराएं और उसकी जो भी फीस है भरे, तो आपने वो फीस भरी नहीं और पंजीयन नहीं कराया, फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैंने तो स्टाम्प पे बेच दी, स्टाम्प लिख दिया, नहीं कि उस बात को नहीं मानेंगे। और अगर आप उस गाड़ी के मालिक है, रजिस्टर्ड मालिक है, तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ये आप ध्यान रखो। ये ऐसा रोज काम पड़ता रहता है, आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो क्लेम का मुकदमा पेश करता है जिसमें उस गाड़ी मालिक को पार्टी बनाया जाता है, यानी उसको पैसे पे भी आना पड़ता है। और अगर एक्सीडेंट ड्राइवर की गलती से हुआ है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो उस गाड़ी मालिक को पैसा भी भरना पड़ सकता है। यानी कि एक्सीडेंट अगर किसी कभी हो गया तो जिम्मेदारी आपकी, भले आपने स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करी या उस गाड़ी को कोई नाबालिग चला रहा है और पुलिस ने पकड़ लिया, तो भी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? गाड़ी मालिक की। स्टाम्प उस समय काम आने वाला नहीं। अब आपने तो गाड़ी बेच दी, दो साल पाँच साल बाद कौन चला रहा, आपसे थोड़ी पूछेंगे, पर जिम्मेदारी आपकी रहेगी। या उस गाड़ी का लाइसेंस नहीं है चलाने वाले का, और बीमा भी नहीं है, और वे व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो, गाड़ी पकड़ने पुलिस ने पकड़ ली और पुलिस ने कोई रसीद बना दी चालान बना, तो वो आप ऐसा भी आपको जमा करना पड़ेगा। और बीमा नहीं है और एक्सीडेंट हो गया, तो जिम्मेदारी सारी गाड़ी मालिक पे आ जाएगी, वो स्टाम्प उस समय काम पे नहीं आएगा। चौथी बात ये कि अगर उस गाड़ी से कोई दो नंबर, यानी कि कोई अवैध काम किया जाता है और गाड़ी पकड़ में आ जाती है, उससे कोई चोरी हो गई, जैसे कि चोरी का माल उस गाड़ी में भर के लाए, या कोई अमल का है, या किसी भी प्रकार का कोई नशेली पदार्थ उस गाड़ी से परिवहन कर रहे हैं और गाड़ी पकड़ में आ गई, तो जिम्मेदारी गाड़ी मालिक की रहेगी। और उस स्थिति में गाड़ी मालिक की स्टाम्प तो कहीं रह जाएगा और एक बार तो उसको जेल जाना पड़ेगा। यानी कि आप जो स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके बेचते हैं और आप सोचते हैं कि मैंने स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके सामने वाले को गाड़ी दे दी, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और आखिर ऐसा करते हैं क्यों लोग? सबसे पहले कारण बताता हूँ कि स्टाम्प पे बेचते क्यों, जब गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है तो क्यों? पहला कारण, महान आलस, कौन जाए कौन क्या करे, ठीक है ना। दो व्हीलर टू व्हीलर बेचते हैं, उसमें तो यार तू ही जाना, वहाँ स्टाम्प पर लिखा ले, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये होता है
कि उस गाड़ी पर कोई ना कोई लोन बकाया होता है और गाड़ी तब नाम पे होगी जब उसका लोन का मामला सुलटे। अब लोन की किस्तें अभी 5 साल और भरनी बाकी है या 2 साल और भरनी बाकी है और आपको गाड़ी अभी बेचनी है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? लोन बिना फोरक्लोज हुए गाड़ी दूसरे व्यक्ति के नाम पे कराने के लिए गाड़ी ट्रांसफर होनी, उसमें लोन भी ट्रांसफर हो जाता है। मगर जिस कंपनी से या जहां से आपने लोन ले रखा है वो लोन ट्रांसफर नहीं करते, वो कहते हैं आप तो लोन आपका पूरा एक बार जमा कराओ, क्योंकि पूरा एक साथ जमा करते हो तो उनको तो ब्याज मिल रहा है और फिर नया लोन करेंगे तो नई फाइल के चार्ज लग जाएंगे। इस नया अब आप एक साथ जमा कहां से करो, आपके पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है तभी तो गाड़ी दे रहे हो ना। तो नया लो अगर लोन ट्रांसफर कराने की जिम्मेदारी आप जिस कंपनी से आपने लोन ले रखा है उस कंपनी में बात करें, अगर वो नहीं करता है तो दूसरे किसी फाइनेंसर से बात करके आप लोन को ट्रांसफर करा कर गाड़ी सामने वाले व्यक्ति के नाम करा दें। उससे क्या होगा कि किस्तें भी वही भरेगा। मान लो कल कोई किस्त ड्यू रह गई और उसने किस्त का पैसा नहीं भरा तो गाड़ी उसकी पकड़ के ले आएंगे, गाड़ी तो फाइनेंस वाले जब्त कर देंगे ना। बाकी जो पैसा बचा है आपके जो फाइनेंस में आपने चेक दे रखे हैं, स्टाम्प दे रखे हैं या आपकी संपत्ति के कागज दे रखे हैं, उस संपत्ति के कागज से आपके ऊपर फाइनेंस वाला मुकदमा करेगा और आपको पैसा देना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने लिखा पढ़ी करके बेच दी, जिम्मेदारी उसकी है, जिम्मेदारी आपकी ही है क्योंकि नाम पर गाड़ी आपकी है। तो सबसे बढ़िया है कि गाड़ी ट्रांसफर करा दें। अब आपको क्या करना चाहिए इन सारी समस्याओं से बचने के लिए? पहला उत्तर तो मैंने बता ही दिया कि गाड़ी जो खरीद रहा है उसके नाम पर ट्रांसफर करा दीजिए। ठीक है, ट्रांसफर करवाने मेरा तो ये मानना है कि ट्रांसफर सबसे पहले उससे बोलिए कि तू जो जो भी करना है गाड़ी का, अगर लोन है तो लोन तू दूसरी का किसी का फाइनेंस वाले से जाकर लोन ट्रांसफर करा ले, और जब तक वो गाड़ी अपने नाम पर नहीं कराए उसको गाड़ी नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जब दिन दशा खराब चल रही होती है ना, तो आपसे गाड़ी ले गया कोई ना कोई घटना हो गई, अब आप सोचोगे यार तो नाम पे करा ही रहा था, जब लाया जब बीमा खत्म होता है तो दूसरे तीसरे दिन ही एक्सीडेंट होता है, बाकी कभी नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि जब तक उसके नाम पे नहीं हो गाड़ी अपने कब्जे से देनी नहीं उसको। लिखा पढ़ी जरूर कर दो आप कि गाड़ी तेरे को बेच दी है, कब्जा मेरे पास है, तो नाम पे तेरे करवा लेगा और गाड़ी मैं आपको दे दूंगा, ताकि वो व्यक्ति भी पैसा लगाए तो उसके मन में डर नहीं रहे। दूसरा, जब भी आप उसको गाड़ी दो उस गाड़ी के फोटो और वीडियो बना लो, अंदर क्या क्या सामान पड़ा क्या नहीं पड़ा। उससे क्या होगा कि बाद में आपके झगड़ा नहीं होगा कि गाड़ी ऐसी थी, ये था, वो था, मान लो उसके नहीं सेट हुई, वापस लाया, तो आपको वीडियो सारी बातें बता देगा। और बाकी जो पैसा है मामला है कि साहब आप वो तो पैसा नहीं दे पा रहा है, पैसा किस प्रकार लो, तो पैसा चेक से ले लो या कैश ले लो, किसी प्रकार से ले लो। और अगर आपके कोई छोटा आइटम है जैसे मोटरसाइकिल है, कई बार मोटरसाइकिल स्कूटी की इसमें अपन लापरवाही रखते हैं और लापरवाही कारण छोटा सा अमाउंट को भी है, उस पर कोई फाइनेंस भी नहीं होता, फिर भी अपन स्टाम्प पे लेके सामने वाले को देते हैं, और जब सामने वाले को देते हैं तो समस्या आती है, तब सब लोग दूर हो जाते हैं और समस्या में आपको ही फंस जाते हैं और आपको बार बार पैसे पे जाना पड़ता है, किसी प्रकार को एडवोकेट हायर करना पड़ता है या कोई मर गया तो कभी कभी आपको पैसा भी भरना पड़ जाता है। इस प्रकार की समस्या बचने के लिए लापरवाही नहीं रखकर जो भी गाड़ी आप बेच रहे हो उस गाड़ी का आपके नाम से सामने वाले के नाम पर कराने के बाद ही उसे उस गाड़ी का कब्जा दे दें और उस गाड़ी को सुपुर्द करें, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आप समस्या क्या है कि जैसे आपने गाड़ी बेची तो 1 साल बाद भी आ सकती है और 15 साल बाद भी आ सकती है, अब हर बार तो आप उस गाड़ी की रखवाली करके नहीं बैठे ना। तो इन प्रकार इस सभी समस्याओं से बचने का एक ही हल है कि गाड़ी का पंजीयन अवश्य करा देवें। मैं हूँ उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए लाइक करें। थैंक यू।